दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक जारी। चार राज्यों में मिली जीत पर पीएम मोदी और जेपी नड्डा का माला पहनाकर स्वागत हुआ। यूपी में मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ करने के लिए कल शाम दिल्ली में बैठक होगी। यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी कोर कमेटी के सदस्य होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बीजेपी ने चार राज्यों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए। पहली बार बड़े नेताओं को मिली जिम्मेदारी। अमित शाह रघुवर दास यूपी के पर्यवेक्षक बनाए गए तो राजनाथ सिंह मीनाक्षी लेखी उत्तराखंड की पर्यवेक्षक होंगी। लखनऊ में यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। सीएम योगी डिप्टी सीएम केशव मौर्य दिनेश शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। यूपी में 20 या 21 मार्च को लखनऊ के एकाना स्टेडियम में 57 मंत्रियों के साथ शपथ ले सकते हैं सीएम योगी। सभी जिलों में एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जा सकता है। लंबे समय बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी भी मीडिया के सामने आए। टेनी ने यूपी में पार्टी की जीत के लिए कानून व्यवस्था में सुधार को श्रेय दिया। अच्छा चुनाव जीते हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा सर पूरे प्रदेश में? हमें अगर लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होता तो इतना बड़ा बहुमत कैसे मिलता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा। नतीजों पर बोले पोस्टर बैलेट में समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट मिले। ईवीएम से बीजेपी कैसे जो बैलेट पेपर कोई बड़ा हुई है उसमें समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर आगे है। ईवीएम में भाजपा कैसे जीत गई ये अपने आप में एक विचारणीय विषय है। कन्नौज से जीतकर आए पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण एबीपी न्यूज पर बोले चुनाव में ना सिर्फ बीजेपी की जीत हुई बल्कि परिवारवाद और वोटों की खरीदारों की हार। जो लोग परिवारवाद वोटों की ठेकेदारी वोटों की खरीदारी पे विश्वास करते थे उनको नागरिकों ने एक बहुत ही बड़ा जवाब दिया है। यूपी में अब विधान परिषद में बहुमत की लड़ाई। 36 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू होगा। उत्तराखंड में होली के बाद होगा नए मुख्यमंत्री का ऐलान। 19 मार्च को बीजेपी के पर्यवेक्षक जाएंगे देहरादून। उसी दिन बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। उत्तराखंड में नए सीएम की रेस में पुष्कर सिंह धामी धन सिंह रावत सतपाल महाराज ऋतु खंडूरी और गणेश जोशी का नाम शामिल। मणिपुर के लिए निर्मला सीतारमण के रन रिजिजू पर्यवेक्षक बनाए गए तो गोवा के लिए नरेंद्र तोमर और एल मुरुगन को जिम्मेदारी सौंपी गई। गोवा में सीएम पर सस्पेंस के बीच अंदरूनी कलह भी सामने आई। गोवा बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक विश्वजीत राणे ने प्रमोद सावंत को अपना नेता मानने से इंकार किया। गोवा के सीएम को लेकर असमंजस के बीच प्रमोद सावंत आज शाम दिल्ली आ रहे हैं। पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह के अलावा जेपी नड्डा भी कर सकते मुलाकात। गोवा के राज्यपाल ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। आज नवनिर्वाचित विधायक लेंगे शपथ। प्रोटेम स्पीकर गणेश गोवनकर दिलाएंगे शपथ। पंजाब के भावी सीएम भगवंत मान ने लोकसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। कल शहीद भगत सिंह के गांव में सीएम पद की शपथ लेंगे। जोरों पर है तैयारी। भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह के लिए किसी दूसरी पार्टी से जुड़े सीएम और बड़े नेता को न्योता नहीं। दिल्ली की तरह आम लोगों के बीच होगा शपथ ग्रहण समारोह। पंजाब में प्रशासन में बदलाव शुरू। सीनियर वकील अनमोल रतन सिद्धू होंगे पंजाब के नए एडवोकेट जनरल। डीएस पटवालिया की जगह नई नियुक्ति। पंजाब में बड़ी जीत के बाद पश्चिम बंगाल का रुख करेंगी आम आदमी पार्टी। 2023 में होने वाले पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।